तस्वीरें ठीक एक महीना पहले पाकिस्तान में मनाए गए सेना दिवस की हैं। चीन और अमेरिका से मिले लड़ाकू विमानों के दम पर पाकिस्तानी इस दिन बहुत इतराए थे। आसमान में इन कलाबाजियों को देखकर जमीन पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी खुश थे, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड्स में जो कुछ होने जा रहा है वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर देगा। चंद मिनटों में ही नवाज के सामने से गुजरी शाहीन 3 मिसाइल। परमाणु हथियारों से लैस शाहीन मिसाइल जिस लॉन्चर पर थी उस पर ज्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब यही लॉन्चर तीन तीन देशों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ये तीन देश हैं खुद पाकिस्तान, चीन और उत्तर कोरिया। इन तीन देशों को एक मिसाइल लॉन्चर ने जोड़ दिया है। लोकतंत्र से कोसों दूर रहने वाले ये तीनों ही देश दुनिया भर की नजरों में हैं। आतंकवाद को बढ़ावा देना हो, परमाणु हथियारों को बढ़ावा देना हो, तानाशाही शासन को बढ़ावा देना हो, इन तीनों देशों ने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। उल्टे ये देश एक नापाक महागठबंधन बनाकर सबको धोखा दे रहे हैं। देख लो अमेरिका, जिस पाकिस्तान को तुम भीख देकर पाल रहे हो, जिस पाकिस्तान को तुम F-16 जैसे लड़ाकू विमान देकर मजबूत कर रहे हो, वो तुम्हारे ही सबसे बड़े दुश्मन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। हमेशा भारत की पीठ में छुरा फोंकने वाले पाकिस्तान ने इस बार अमेरिका को धोखा दिया है। देखिए अमेरिका के दुश्मन के साथ पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात धोखेबाज पाकिस्तान की। भारत को हमेशा धोखा देने वाला पाकिस्तान कितना खतरनाक है, इसका खुलासा किया है अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों ने। अमेरिकी जानकारों की माने तो पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों को लॉन्च करने की तकनीक उत्तर कोरिया और चीन से हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक कोई देश ऐसा नहीं कर सकता। इस खुलासे के बाद मांग उठ रही है कि पाकिस्तान को यह तकनीक देने वालों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाए। इस खुलासे ने यह बात भी साबित कर दी है कि अमेरिका की भीख पर पलने वाला पाकिस्तान अमेरिका के दुश्मनों के साथ ही खड़ा है। यह है पाकिस्तान की परमाणु हथियारों से लैस मिसाइल शाहीन 3। पिछले साल मार्च में पाकिस्तान ने इस मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया। भारत के मिसाइल कार्यक्रमों से थर्राने वाले पाकिस्तानी फौजियों और वैज्ञानिकों को शाहीन 3 ने थोड़ा सहारा दिया। ये मिसाइल 2750 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी पूरा भारत इसके निशाने की जद में है। जमीन से जमीन और जमीन से आसमान पर वार करने वाली इस मिसाइल की असली ताकत है ये ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर। बेपर्दा होते पाकिस्तान को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर होता क्या है और क्यों इतना अहम है। ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर या TEL मिसाइल को सिर्फ ढोता ही नहीं है, TEL का काम मिसाइल को फायरिंग पोजीशन में लाना भी है और एक के बाद एक कई मिसाइलें छोड़ना होता है। पिछले महीने पाकिस्तान के सेना दिवस पर परेड के दौरान जब ऐसे ही एक ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर पर शाहीन 3 मिसाइल को लाया गया तो दुनिया भर में बैठे कुछ परमाणु तकनीक वैज्ञानिक चौंक पड़े। चौंकने की वजह देखिए, शाहीन 3 जिस तरह के ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर पर लाई गई थी ये वैसा ही था जिसका इस्तेमाल उत्तर कोरिया करता है। जी हाँ, पाकिस्तान जिस मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहा था वो हूबहू वैसा ही था जैसे उत्तर कोरिया करता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? आपको बता दें, मिसाइल लॉन्चर तकनीक हाल के बरसों में बहुत तेजी से बदली है। पाकिस्तान कितनी भी तेजी दिखाए उसके वैज्ञानिक आधुनिक लॉन्चर बना ही नहीं सकते। अमेरिका के सुरक्षा विशेषज्ञ रिचर्ड फिशर ने यह देखने के बाद पूरे मामले की पड़ताल की। इस पड़ताल में सामने आया कि पाकिस्तान ने जिस ट्रांसपोर्ट लॉन्चर का इस्तेमाल किया है उसकी डिजाइन चीन ने उत्तर कोरिया को दी थी। 2011 में चीन से तकनीक मिलने के बाद उत्तर कोरिया ने अपना लॉन्चर बनाया था। यानी पूरी आशंका है कि पाकिस्तान को मिसाइल लॉन्चर तकनीक उत्तर कोरिया से मिली है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ रिचर्ड फिशर ने यह भी दावा किया है कि चीन उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के मिसाइल लॉन्चर का पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम और इंजन कंपार्टमेंट भी एक जैसा है।
चीन ने साल 2011 में उत्तर कोरिया को यह तकनीक दी थी और अब इसी तकनीक के दम पर पाकिस्तान अपनी शाहीन मिसाइल से भारत पर हमला करने के सपने देख रहा है। तो अभी तो हम पाकिस्तान को झेलते हैं, अब पाकिस्तान और चाइना को झेलते हैं, और अगर कोरिया भी, नॉर्थ कोरिया इसमें शामिल होता है तो लाजमी तौर पर हमें अपनी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, अपनी एरिया ऑफ डिफेंस और अपने इंटरेस्ट को और ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर उत्तर कोरिया ने मिसाइल लॉन्चर तकनीक पाकिस्तान को दे भी दी तो गलत क्या है। ये पूरी दुनिया को पता है कि दशकों से चीन पाकिस्तान में परमाणु रिएक्टर बनवाने में मदद कर रहा है, लेकिन 2013 में चीन ने पहली बार कबूल किया था कि उसने पाकिस्तान के परमाणु रिएक्टर बनवाने में मदद की है। चीन ने आज तक ये स्वीकार नहीं किया है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का भी वो मददगार है, लेकिन उत्तर कोरिया को दी हुई चीन की डिजाइन का पाकिस्तान पहुंचना तीनों देशों की मिली भगत सामने ला रहा है। मिसाइल लॉन्चर तकनीक के ट्रांसफर होने का मतलब है परमाणु हथियार बनाने में मदद करना। अमेरिका दो दशकों से इस बात का शक जता रहा है, लेकिन पहली बार उसे इतना बड़ा सबूत मिला है। रिचर्ड फिशर की इस पड़ताल के बाद दो रिपब्लिकन सांसदों ने अमेरिका के रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि परमाणु हथियार तकनीक का ट्रांसफर चीन सरकार के सबसे बड़े चेहरे की इजाजत के बिना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान को परमाणु हथियार तकनीक देना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। अमेरिका को फौरन नए खुलासों की जांच के बाद चीन पर प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। अमेरिकी सांसदों की इस मांग पर अमेरिकी सरकार को फिलहाल सांप सूंघा हुआ है। वहीं पाकिस्तान का पर्दाफाश करने वाले वैज्ञानिक अपने दावे पर अड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों ने तो ये भी शक जताया है कि जिस तरह चीन ने पाकिस्तान को परमाणु हथियार तकनीक दी है, वैसे ही ये तकनीक उत्तर कोरिया को भी दी जा सकती है। जाहिर है मिसाइल तकनीक की ये तस्करी, ये चोरी या फिर साजिशन हुई सप्लाई दक्षिण एशिया के तीनों देशों चीन, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया पर सवाल खड़े कर रही है। इन तीनों ही देशों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं और ये तीनों ही देश भारत के साथ ही अमेरिका के लिए भी चुनौती बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। उत्तर कोरिया के बारे में भी सभी जानते हैं, वो अमेरिका को हमेशा ललकारता रहा है, और अगर कोई खतरनाक तकनीक चीन और उत्तर कोरिया के रास्ते पाकिस्तान तक पहुंचती है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान अमेरिका से पैसे और हथियार लेकर उनका इस्तेमाल भारत और अमेरिका के ही खिलाफ किया करता है। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि पाकिस्तान की गलतियों के लिए उसे सजा मिले, पाकिस्तान को आर्थिक भीख देना बंद की जाए? पाकिस्तान, वो देश जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान, वो देश जो अमेरिका के दुश्मनों के साथ है। ये बात भले अमेरिका अभी समझ ना पाए, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी खुद अमेरिका को ही निशाना बनाने लगेंगे, तब उसे पता चलेगा। पाकिस्तान को हथियार देकर, पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर देकर और यहाँ तक कि F-16 लड़ाकू विमान भी देकर अमेरिका ने इस बात का इंतजाम कर लिया है कि पाकिस्तान खुद उसके पीठ में खंजर भोंक दे। ये बात आपको चौंकाने वाली भले लगे, लेकिन ये बात मुमकिन है। जो देश अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन के साथ खड़ा हो सकता है, वो अमेरिका के खिलाफ कुछ भी कर सकता है। तीन दिन पहले ही उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह ने पूरी दुनिया के संपूर्ण विनाश की धमकी दी। किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिका दक्षिण कोरिया में अपना सैन्य अभ्यास बंद करे। इसी दिन उत्तर कोरिया ने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया। ये तानाशाह देश अमेरिका को जिस अंदाज में धमकियां देता है, वो किसी से छिपा नहीं। उत्तर कोरिया के साथ पाकिस्तान की दोस्ती अब अमेरिका किस तरह से लेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर दुश्मनी है अमेरिका की चाइना से, नॉर्थ कोरिया से, तो बड़ी आम बात है कि वो दोनों आपस में दोस्त बन जाएंगे, और पाकिस्तान जो कि लगातार अमेरिका से भीमदाद लेता रहा है पर गुणगान चाइना के करता रहा है और चाइना से भी इमदाद रहा है, अब ऐसा नजर आ रहा है कि ये भी उस गठजोड़ में शामिल हो गया है। साफ है कि पाकिस्तान जिस मुल्क के भरोसे पिछले 70 साल से जिंदा है, मौका पड़ने पर उसी को चोट पहुंचाने से बाज नहीं आया।
पिछले महीने ये खुलासा हुआ था कि कैसे 2008 में CIA पर अब तक का सबसे बड़ा हमला भी पाकिस्तान ने ही करवाया था। $2,00,000 में हक्कानी नेटवर्क को सुपारी देकर इस हमले में पाकिस्तान ने अमेरिका के 7 अफसरों की हत्या करवाई थी। इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को उसकी आतंकी गतिविधियों के लिए बचाता रहा, लेकिन अफगानिस्तान में अपने दर्जनों सैनिकों को खोने के बाद अमेरिका ने पहली बार पाकिस्तान की इस दोहरी नीति पर ध्यान देना शुरू किया। आपको बता दें कि 20 साल से पाकिस्तान का औसत रक्षा बजट $5 बिलियन का है। इन 20 सालों में उसे औसतन हर साल $2 बिलियन की सैन्य मदद मिली है। यानी अगर अमेरिका पाकिस्तान पर डॉलरों की बरसात करना बंद कर दे तो पाक फौज का टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकी जानकारों ने जब पाकिस्तान के रवैये की जांच की तो उनके सामने एक चौंकाने वाला तथ्य आया। 2010 में अमेरिका ने पाकिस्तान की सबसे ज्यादा आर्थिक मदद की और इसी साल अमेरिका के अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा 499 सैनिक शहीद हुए। साफ है कि अमेरिका से मिले पैसों को पाकिस्तान उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पाकिस्तान इतना नाकाबिल और नाकारा देश है कि वो अपने दम पर कोई तकनीक विकसित नहीं कर पाता, इसीलिए उसने हमेशा तकनीक की चोरी पर ध्यान दिया है। चोरी से परमाणु तकनीक हासिल की और फिर उसे दूसरे देशों को बेच भी दिया। ये दिखाता है कि पाकिस्तान से पूरी दुनिया को कितना संभल कर रहने की जरूरत है। कहा जाता है कि कारगिल के युद्ध के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया था जब पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भारत से बदला लेने के लिए परमाणु बम से हमला करने तक की सोच ली थी, लेकिन भारतीय सेना के खौफ और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ऐसा कर नहीं पाया। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि पाकिस्तान आगे ऐसा कभी नहीं करेगा। पाकिस्तान ने आज तक ऐलान नहीं किया है कि वो कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, जबकि भारत ये ऐलान कर चुका है कि वो कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। 2 साल पहले केंद्र सरकार बनने के बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि भारत अपनी इस नीति को बदल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जबकि पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत को जवाब देने के लिए सबसे ज्यादा भरोसा परमाणु बम पर ही करता है, इसीलिए पारंपरिक हथियारों से ज्यादा जोर पाकिस्तान का परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने पर है। माना जाता है कि पाकिस्तान के पास 120 से ज्यादा परमाणु बम हैं। 2020 तक पाकिस्तान 200 से ज्यादा परमाणु बम तैयार कर लेना चाहता है, जबकि भारत के पास 80 से 90 परमाणु बम ही हैं। इसने यही सारी टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के पास नहीं थी, कुछ टेक्नोलॉजी जो ईरान के पास नहीं थी, इराक के पास नहीं थी, लीबिया के पास नहीं थी, इन देशों को इसने अपने पर्सनल गेन के लिए कई मिलियन डॉलर्स, कपल ऑफ हंड्रेड मिलियन डॉलर्स, कई सौ डॉलरों, सौ मिलियन डॉलर्स के लिए इसने बेची है। आज भले ही पाकिस्तान ने चोरी से उत्तर कोरिया और चीन के परमाणु मिसाइल लॉन्चर तकनीक हासिल कर लिए हों, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया अगर कभी परमाणु युद्ध की तरफ धकेली गई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान की वजह से ईरान और सऊदी अरब के बीच परमाणु युद्ध की आशंका है। पाकिस्तान पर ही लीबिया और उत्तर कोरिया को भी परमाणु तकनीक बेचने का आरोप है। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों की नजर भी पाकिस्तान के परमाणु बमों पर है। यानी पाकिस्तान जैसा अस्थिर देश, धोखेबाज देश दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु आतंकी भी है। देखिए कैसे पाकिस्तान के बदनाम परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले वैज्ञानिक AQ खान ने कैमरे पर अपने देश की सच्चाई कबूली थी। That many of the reported activities did occur, and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true. इंसानियत के खिलाफ किया गया पाकिस्तान का गुनाह पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है। मुमकिन है इसकी पहली सजा अमेरिका को ही मिले, क्योंकि अमेरिका ही सब कुछ जानते समझते इस आतंक परस्त देश को आर्थिक और हथियारों की मदद करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
अभी तक चीन पाकिस्तान के साथ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब आहट है दक्षिण कोरिया की दोस्ती की भी। दो ऐसे देश जो लोकतंत्र को पसंद नहीं करते हैं, वो एक ऐसे देश का साथ दे रहे हैं जहां लोकतंत्र कहने को तो है लेकिन दिखाई कहीं नहीं पड़ता। खबरों में खास में इतना ही।